चार और बेसिक चीजें बताता हूँ जो कि आप एंड्रॉयड में कर सकते हो पर आईफोन में नहीं। यार तो फिर आईफोन को छोड़ दे भाई। अगर आप एंड्रॉयड के डायलर में नंबर डायल करते हो तो सजेशंस आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में से शो करता है, लेकिन आईफोन में कोई सजेशन शो नहीं करेगा। और मजे की बात यह है कि अगर आप पूरा नंबर डायल कर देते हो तो फिर उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। एंड जी हाँ, T9 डायलिंग तो ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। एंड्रॉयड में आप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, आईफोन में ऑप्शन ही नहीं है भाई। हमें जरूरत नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग की, हम फोन को स्पीकर में डाल के दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं कॉल। एंड्रॉइड में आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, जिससे लॉन्ग स्क्रीनशॉट बन जाता है। लेकिन आईफोन में सैडली आप ऐसा हर एक ऐप में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ऐप में काम करता है जो कि है सफारी। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप हमेशा अपने होम स्क्रीन को चेंज करते हैं, बट आईफोन में आप होम स्क्रीन भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें थीम्स मिल जाते हैं। बस बहुत हुआ एंड्रॉइड, अब एक बात बता, तुम्हारे में लोगो मिलता है? नहीं तो मतलब लोगो ही देख करके दुनिया में सब चीज पा लेंगे आप।